तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिप का कलर बिल्कुल ही रेड है। और अब यहाँ पे देखो, ये जो फोटोज आप देख पा रहे हो ये एक नेचुरल फोटोज है, जिसमें कि हम यहाँ पे लिप का कलर यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, यानी कि लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखने में आप देख सकते हो कि कितना रियलिस्टिक तरीका से हमने इसमें लिपस्टिक का कलर को हमने लगाया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से ही आप लिप का कलर को कैसे लगा सकते हो, यानी कि कैसे आप उसको अलग अलग प्रकार से कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे कोई और कलर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे रियल में देख ही रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने लिप का कलर को कैसे चेंज कर सकते हो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आप आसान तरीके से इस फोटोशॉप में आप आसानी से सीख सकते हो। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक आप बने रहें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हमने फोटोज को ओपन कर लिया है अपने फोटोशॉप में। फोटोशॉप में ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक लेयर पैनल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके पास लेयर पैनल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, सिंपल से आप जाएंगे विंडोज में, और विंडोज में जाने के बाद यहाँ पे लेयर ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। जब आपका लेयर पैनल इनेबल हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक इसका कॉपी बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लेयर में आप एक बैकग्राउंड लेयर देख रहे हो, जो कि ये इस इमेज का ही एक बैकग्राउंड है। हम इसका एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए शॉर्ट कमांड का यूज करेंगे। कीबोर्ड में आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे कॉपी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इसे हाइड कर लेना है। नीचे वाले लेयर को यहाँ से हाइड कर लेना है। हाइड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर पैनल के नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक फोल्डर का आपको आइकन दिखाई देगा, जिसका कि नाम है क्रिएट ए न्यू सेट। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास एक न्यू सेट बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लेयर वन वाला जो हमारे पास कॉपी लेयर है, इसे हम इस प्रकार से ऊपर उठा करके इस फोल्डर में रख देंगे। और यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है, इसको आप जब आप क्लिक करेंगे तो ये एरो से बंद हो जाता है लेयर सेट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक लेयर सेट के अंदर एक लेयर हमने रख दिया है। तो नीचे वाले लेयर को यहाँ से आपको हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर आपको क्लिक करना है लेयर वन पे, और लेयर वन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे चले जाना है। इसका नाम है एडजस्टमेंट टूल, और उसके बाद यहाँ पे सॉलिड कलर पे आपको क्लिक कर देना है। और सॉलिड कलर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको कोई एक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं मैरून कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि आपको ऊपर में ही आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिला दिखाई देगा, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्ट लाइट आपको यहाँ पे कर देना है। सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करने के बाद सॉफ्ट लाइट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डार्केन कर सकते हो, या आप यहाँ पे कलर बर्न या पे ओवरले भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी ओवरले का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। ओवरले को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जैसे कि आपका रियल में इमेज था, कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स बार में जाना है और यहाँ पे आपको ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश टूल जब आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रश के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे 300 नंबर वाला एक ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसे छोटा बड़ा करने के लिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर में, यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी मेरा साइज यहाँ पे इसे मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे, तो इसे बड़ा हो जाएगा, और इसे मैं घटा दूंगा तो यहाँ पे ये साइज हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जब आपका छोटा हो जाएगा तो यानी कि आपको क्या करना है, अब आपको धीरे धीरे अपने लिप में इसे घुमाना है। जैसे आप लिप में कुछ इस प्रकार से जैसे ब्रश को पेंट करते हो, कुछ इस प्रकार से आपको लिप के अंदर ही इसे घुमाना है, ठीक है। अगर आप बाहर लेके चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे रख देंगे तो ये भी बाहर भी आपका रंगीन हो जाएगा। तो बाहर आपको कलर नहीं करना है, अपने लिप के कलर, जैसे कि मानो कि आप लिपस्टिक ही लगा रहे हो उस पर, वही समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लिप का कलर को बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने लिप का कलर को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके करोगे ताकि ये लाइनिंग वगैरह हमारा अच्छे से मैनेज हो जाए और एडजस्ट हो जाए, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से हमारा लिप का कलर लग चुका है। अभी हम आपको सो व्हाइट करके दिखाता हूँ। पहले कुछ इस प्रकार से था जो कि यहाँ पे देख सकते हो, और अभी कुछ इस प्रकार से है। अब अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, आपको लेयर सेट वन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो मैरून कलर दिख रहा है इस पे आपको डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका कलर पिकर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करें। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हम येल्लो ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने ब्लू भी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगर हम इसका कलर को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि मान के चलो ये कलर हमारा ज़्यादा और कम है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ओपेसिटी का। ओपेसिटी पे आप यहाँ से कम करोगे कम हो जाएगा, ज़्यादा करोगे ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम इसे कलर चेंज करके देखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी मैं कलर इसको बढ़ा रहा हूँ और ये कम कर रहा हूँ, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ या 80% पे रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से फोटोशॉप में अपने लिप का कलर को चेंज कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से लिप का कलर को चेंज कर सकते हो, और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से बताया हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी प्रकार का रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन को प्रेस करें हमारे नए नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।